3D एनिमेशन कार्टून सीरीज में मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कैसे आप रनवे को यूज करके ऐसे अमेजिंग एनिमेटेड वीडियोस बना सकते हैं टेक्स्ट टू वीडियो वाला ऑप्शन यूज करके। लेकिन आप में से बहुत से लोगों ने बोला इसमें तो बहुत ही कम फ्री क्रेडिट्स मिलते हैं, तो कोई दूसरा ऑप्शन बताइए। तो आपने मांगा और मैं लेके आ गया। आज मैं आपको ऐसे अमेजिंग AI टूल के बारे में बताऊंगा जहां से आप टेक्स्ट टू वीडियो और इमेज टू वीडियो दोनों बना सकते हैं। लेकिन सबसे अमेजिंग बात पता है क्या है? ये 100% फ्री है और साथ ही कोई लिमिट भी नहीं है, अनलिमिटेड। और मैंने टेक्स्ट टू वीडियो का फॉर्मेट आपको लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बता दिया था, तो इस वीडियो में हम इमेज टू वीडियो वाला ऑप्शन यूज करने वाले हैं। तो हम बनाने जा रहे हैं एक ब्यूटीफुल एनिमेटेड लव स्टोरी। तो चलिए फिर लेट्स बिगिन। सबसे पहले स्टेप वन में हम ChatGPT से एक शॉर्ट एंड स्वीट लव स्टोरी बनवा लेंगे और साथ ही साथ इसे हमने सीन बाय सीन भी डिवाइड इससे करने बोल दिया है और हर सीन के लिए इमेज प्रॉम्प्ट भी हमने ChatGPT से ही बनवा लिया है जो हमारे यूज करने वाले। ये एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से कॉपी कर सकते हैं। तो ChatGPT ने पूरी स्टोरी और सीन बाय सीन इसे डिवाइड करके दे दिया है और इमेज के लिए प्रॉम्प्ट्स भी दे दिए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं स्टेप टू पर और अब हम बनाएंगे इस स्टोरी के लिए इमेजेस। तो इसके लिए आपको आ जाना है Leonardo.ai पर, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर इस पर आपका अकाउंट नहीं होगा तो आप अपने गूगल अकाउंट से साइन अप कर लेना और उसके बाद आपको आ जाना है होम पेज पर जो कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पर आपको बहुत ही अमेजिंग इमेजेस मिल जाएगी जो ऑलरेडी लोगों ने जनरेट करके रखी हुई है, लेकिन अभी हम खुद से बनाने वाले हैं इमेजेस। तो साइड बार में AI इमेज जनरेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लें और फिर ऊपर आपको ये प्रॉम्प्ट बॉक्स मिलेगा जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हमें ChatGPT से फर्स्ट सीन वाला इमेज आइडिया कॉपी करना है और यहाँ प्रॉम्प्ट बॉक्स में इसे पेस्ट कर देना है। इसके बाद फर्स्ट सीन वाली स्टोरी कॉपी करनी है और उसे भी यहाँ प्रॉम्प्ट बॉक्स में ही पेस्ट कर देना है। ये दोनों मिला के हमें इसे एक ही प्रॉम्प्ट देना है। इसके बाद इमेज स्टाइल में हमें सेलेक्ट कर लेना है 3D एनिमेशन स्टाइल वाला ऑप्शन और इसके बाद इमेज का साइज या एस्पेक्ट रेशियो हमें सेलेक्ट करना है। तो अभी मैं YouTube वीडियो के लिए 16:9 सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आप शॉर्ट्स या रील्स में यूज करना चाहते हैं तो आप 1:1 वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं। इसके बाद जनरेट पर क्लिक कर दीजिए और अब 10 से 20 सेकंड के अंदर आपको ये चार इमेजेस जनरेट करके दे देगा। तो ये देखिए कितनी शानदार इमेजेस इसने हमें जनरेट करके दे दिए। और इसमें से जो भी इमेजेस आपको चाहिए आप उसे डाउनलोड कर लीजिए और अगर पसंद ना आए तो आप फिर से जनरेट पर क्लिक करके इससे और इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। बस अब इसी तरह दूसरे सीन का इमेज आइडिया और स्टोरी आपको कॉपी करना है और यहाँ प्रॉम्प्ट बॉक्स में इसे पेस्ट कर देना है और फिर से जनरेट करके उसे डाउनलोड कर लेना। बस हर बार जनरेट करने से पहले एस्पेक्ट रेशियो एक बार रीचेक कर लेना क्योंकि ये नए प्रॉम्प्ट में बार बार रीसेट हो जाता है। तो इस तरह आपको पूरी स्टोरी के लिए यहाँ से इमेजेस जनरेट करते जाना है और डाउनलोड कर लेना। आपको इसमें 150 क्रेडिट्स रोज मिलते हैं Leonardo.ai में, तो आप आराम से इससे कम से कम 40 इमेजेस रोज डाउनलोड कर सकते हैं, हाई क्वालिटी इमेजेस। तो कोई क्रेडिट्स की टेंशन इसमें आपको नहीं लेनी पड़ेगी। चलिए तो अब हमने सारी इमेजेस यहाँ से ले ली है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब आपको अपनी वीडियो के लिए वॉइस ओवर बनाना है जो आप चाहे तो खुद का भी लगा सकते हैं। बस ChatGPT से स्टोरी कॉपी करके गूगल ट्रांसलेट में जाकर उसे हिंदी में या कोई और लैंग्वेज जिसमें भी आप बनाना चाहते हैं उसमें आप रिकॉर्ड कर लीजिए। और या फिर अगर AI का वॉइस ओवर आप लगाना चाहते हैं तो आप 11 लैब्स यूज कर सकते हैं जो मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बता दिया, तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए तो अब आता है असली मुद्दा जो है हमारा नेक्स्ट है। तो आपको अब आ जाना है इस साइट पर जिसका नाम है पीका लैब्स, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। इस पर आपको नीचे ज्वाइन बीटा वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके बाद अपने गूगल अकाउंट से इस पर साइन अप कर लेना। वैसे अगर आपका अकाउंट डिस्कॉर्ड में ऑलरेडी होगा, अगर आपने मिड जर्नी यूज की हो पास्ट में तो डिस्कॉर्ड में आपने अकाउंट बनाया ही होगा, तो बस आपको ये एक्सेप्ट इनवाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आप आ जाएंगे होम पेज पर। अब यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप्स आपको देखने को मिलेंगे जैसे Generate 1, Generate 2, Generate 3, इसमें से कोई भी एक ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर ऑलरेडी बहुत से लोगों ने अपनी वीडियोस जनरेट करके रखी है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आप नीचे ये प्रॉम्प्ट बॉक्स यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें आपको टाइप करना है /create और फिर टाइप करना है लव स्टोरी, बस और कुछ टाइप नहीं करना है क्योंकि हम अभी लव स्टोरी ही बना रहे हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पर ये +1 वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पर इमेज अटैच करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक एक करके इमेजेस अपलोड करनी है जो हमने Leonardo से बनाई, एक एक करके ही करना है, एक साथ नहीं। तो एक इमेज अपलोड कर देने के बाद आपको एंटर पर क्लिक कर देना है और आप ये 20-30 सेकंड्स तक ले सकता है आपकी फर्स्ट वीडियो जनरेट करने के लिए। तो आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते रहना है, जब आपकी वीडियो रेडी हो जाएगी तो ये अलग से हाईलाइटेड बॉक्स आपको दिख जाएगा। ये देखिए हमारी वीडियो रेडी हो गई है और ये हाईलाइटेड बॉक्स भी आप देख सकते हैं। तो बस अब ये वीडियो आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और फिर इसी तरह फिर से टाइप कीजिए /create और टाइप कर दीजिए लव स्टोरी और अपनी दूसरी इमेज अपलोड कर दीजिए और फिर उसे भी यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए।
इस तरह आपको एक एक करके प्रॉम्प्ट देते जाना है, इमेजेस अपलोड करते जानी है और वीडियो यहाँ से डाउनलोड कर लेनी। जितनी चाहे उतने इमेजेस आप यहाँ पर अपलोड करके वीडियोस बना सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है जैसा कि मैंने पहले भी बताया, और 100% फ्री है। बस इसमें अभी एक ड्रॉबैक यह है कि ये वीडियो 1-3 सेकंड की ही जनरेट करता है, लेकिन अब वो भी बढ़ जाएगी 5 सेकंड तक। ये कंपनी ने अभी अनाउंस किया है, तो बहुत जल्दी आपको ये देखने को मिल जाएगा कि 5 सेकंड तक की वीडियो आप यहाँ से बना सकते हैं। लेकिन इस ड्यूरेशन को हम इजिली बढ़ा भी सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो अब हमने सारी वीडियोस भी यहाँ से बना ली है और ऑडियो मैंने 11 लैब से ऑलरेडी बना लिया है। अब हम सारी चीजों को असेंबल करने के लिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, जो है canva.com। तो सबसे पहले क्रिएटर डिजाइन में क्लिक करके वीडियो का साइज सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद साइड बार में अपलोड्स में जाकर सारी वीडियोस यहाँ पर अपलोड कर देंगे, और उसके बाद जो भी रिकॉर्डिंग या ऑडियो हम यूज करने वाले हैं उसे भी यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अब वीडियोस को एक एक करके डिजाइन में ले जाएंगे सीक्वेंस या सीन के हिसाब से और उसे ऐड करते जाएंगे। अब सारी वीडियोस ऐड कर लेने के बाद कर्सर को बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट में ले जाएंगे जहां से वीडियो शुरू हुए, यहां पर, और अब ऑडियो भी ऐड कर देंगे। अब आपको ऑडियो और वीडियो को सिंक करना है जिससे कि देखने वाले को भी मजा आए। तो इसके लिए आप हर सीन की ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अभी तो बस ये 3 सेकंड्स है। तो ऊपर प्लेबैक वाले ऑप्शन में क्लिक करके आप इसकी स्पीड कम कर सकते हैं जिससे कि वो ऑडियो के साथ सिंक हो जाए। ये सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन है। इस तरह आप सारी वीडियोस की स्पीड यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं और वो ऑडियो के साथ मैच भी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पीका लैब्स की सारी वीडियोस में आपको वाटर मार्क देखने को मिलेगा, जो आप इजीली हटा सकते हैं कैनवा में ही। आपको क्रॉप का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा, इसे आप यूज करके सारी वीडियोस से ये वाटर मार्क भी हटा सकते हैं और वीडियो का साइज भी अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये वाटर मार्क भी आप हटा लीजिएगा डाउनलोड करने से पहले, और बस आप वापिस से डाउनलोड कर लीजिए। 4K में आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके पास कैनवा प्रो है, तो नहीं तो 1080 में ही डाउनलोड आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं वीडियो को प्ले करके आपको दिखा देता हूँ, कमेंट करके फीडबैक जरूर दे देना, और कोई सवाल हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हैं। इंस्टा का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ यू कैन एंजॉय द वीडियो। एक खूबसूरत पार्क में दो अजनबी लिली और एलेक्स मिलते हैं। उनकी आंखें मिलती हैं और एक इंस्टेंट कनेक्शन बन जाता है। उनके दिल एक ही धुन पर नाचने लगते हैं। कैफे में लिली और एलेक्स की अचानक मुलाकात रोज होने लगती है। वे बातचीत करने, हंसने और एक दूसरे को जानने में घंटों बिताते हैं। उनका रिश्ता गहरा हो जाता है और वे प्यार में पड़ने लगते हैं। एक बरसाती दोपहर में लिली और एलेक्स के बीच गहरी बातचीत होती है। वे अपनी कमजोरियों को उजागर करते हुए अपने पिछले दुखों के बारे में खुलकर बात करते हैं। ये उन्हें और ज्यादा करीब लाती है, लेकिन यह दुख की भावना भी लाती है। जैसे ही उनका प्यार परवान चढ़ता है, लिली और एलेक्स पुल पर रोमांटिक सैर करने का फैसला करते हैं। वे एक साथ भविष्य के सपने साझा करते हैं, लेकिन उनके दिलों में संदेह बना रहता है, जिससे दिल टूटने का संकेत मिलता है, क्योंकि उन्हें जो कुछ मिला है उसे खोने का डर होता है। गलत फहमी और असुरक्षाएं लिली और एलेक्स के बीच तनाव पैदा करती हैं। वे अलग हो जाते हैं और अकेलेपन में जीना शुरू कर देते हैं, लेकिन दूरी उन्हें जीने नहीं देती। उनके भावनात्मक संघर्षों के बावजूद किस्मत उन्हें फिर मिलवाती है और उसी जगह पर वापस लाती है जहां वे पहली बार मिले थे। उन्हें एहसास होता है कि सच्चे प्यार के लिए लड़ना जरूरी है, और वे अपने रिश्ते को एक और मौका देने का फैसला करते हैं।